नमस्कार, मैं नरेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो साथ ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ आज की हमारा वीडियो रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत बड़ी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो है इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो का जो है अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो साथियों, काफ़ी सारे बच्चों के जो है मेरे पास कमेंट आ रहे थे लगातार 2-4 दिनों से, जो मैं देख रहा था। स्पेशली जो बैक पेपर के स्टूडेंट हैं उनका काफ़ी जो है कन्फ्यूजन है यहाँ पर कि उनका एग्ज़ाम होगा या उनको प्रमोट किया जाएगा, तो उसी को लेकर जो है, और जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, तो उन सभी को लेकर जो है मैंने डीसी को एक बार फिर से पुनः जो है मेल किया था। तो उसका जो है जवाब मेरे पास मेल का डीसी ने दिया है, तो वही जवाब क्या है वो आपके बीच में मैं दिखाने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि जो है ऑनलाइन परीक्षा का जो है काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है प्राइवेट एसोसिएशन के भी द्वारा, लेकिन जो डीसी जो है अभी भी जो है अपनी बात पर बरकरार है। तो मैं साथियों आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने जो है डीटी को जो है 10 तारीख को जो है यहाँ पर मेल किया था एग्ज़ाम को लेकर। तो इसमें मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि मैंने उनको क्या लिखा था। तो मैंने लिखा था कि सर, जो है ITI के जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आज के टाइम में सभी स्टूडेंट्स के मन में कि उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन था कि प्लीज़ टेल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के एग्ज़ाम कब होंगे। और थर्ड जो क्वेश्चन था, बैक पेपर स्टूडेंट के एग्ज़ाम नवंबर में होंगे या नहीं। तो 3 बड़े क्वेश्चन से जो सभी स्टूडेंट्स के मन में चल रहे हैं, चाहे वो बैक पेपर वाले हो या फर्स्ट ईयर वाले हो या सेकंड ईयर वाले हों, तो सभी के क्वेश्चनों को मैंने डीसी को जो है 10 सितंबर को मेल किया था। तो उस मेल का जवाब जो है मुझे आज मिला है, तो मैं यहाँ पर अपने इनबॉक्स में दिखाना चाहूँगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आज जो है 11 तारीख को जो है 2020 सितंबर को मेरे पास जो इनका रिप्लाई आया है। तो रिप्लाई तो साथियों बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने डीसी ने मेरे को दिया है, लेकिन उन कम शब्दों में ही बहुत कुछ जो है लिखा हुआ है। तो साथियों, ये देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो मैंने अभी क्वेश्चन बताए थे कि ITI एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे, बैक पेपर के एग्ज़ाम नवंबर में होंगे या नहीं। तो इनका जवाब सबसे पहले तो बैक पेपर वालों को लेकर यहाँ पर दिया गया है। ये जो देख सकते हैं सर, जो है सेमेस्टर ओमा, तो इसका मतलब क्या है, सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं यानी कि बैक पेपर वाले जो बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा OMR शीट के ऊपर लिया जाएगा। गौर से सुनिएगा, जो बैक पेपर वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे और जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन नहीं होंगे, OMR बेस्ड पर होंगे, जैसे कि पहले उन्होंने अपने सेमेस्टर में दिए हैं, तो OMR बेस्ड होंगे बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स के। गौर से सुनिएगा, फिर कमेंट में आप मुझे पूछेंगे कि हमारे भी होंगे कि नहीं। ओनली सिर्फ बैक पेपर वाले स्टूडेंट के यहाँ पर एग्ज़ाम जो है OMR बेस्ड पर होने वाले हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा कि जो है एनुअल वालों के पेपर कब होंगे, तो यहाँ पर जो और ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो उनका जवाब ये सेकंड जो इन्होंने दिया, एनुअल CBT 2020। तो एनुअल जो भी एग्ज़ाम होने हैं वो सारे कंप्यूटर बेस्ड ही होंगे, और जो अभी हाल ही में डीसी ने अपना जो लेटर जारी किया गया था उसमें बताया था कि नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह के अंदर हम एग्ज़ाम लेंगे, जितने भी एक साल की ट्रेड है या जिनका सेकंड ईयर चल रहा है, तो उनके भी एग्ज़ाम जो है CBT ही होंगे। डीसी ने यही बोला है अभी भी, और डेफिनेटली अगर ये बोल रहे हैं तो ये लेंगे भी, क्योंकि आप देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम, CTI का एंट्रेंस टेस्ट है, वो भी आपके जो ऑनलाइन ले रहे हैं तो ये भी आपके ऑनलाइन ही लेंगे। फिलहाल अभी मौके का जो अगर बात करें तो यहाँ पर डीसी ने यही बोला कि हम एनुअल वालों के जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम ही लेंगे, वो भी नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह के अंदर। और जो बात करें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है, 10 नवंबर से जो सेकंड ईयर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो उनके एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होंगे और वो भी आपके CBT ही रहने वाले हैं। तो साथियों, जितने भी डाउट्स थे आपके मन में जो चल रहे थे, मैंने पूरी कोशिश की है, हर बार अगर मैं अपने स्तर पर उसको हल कर सकता हूँ तो करके बताता हूँ, अगर नहीं मुझसे नहीं होती है तो अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, कोई भी आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है अगर वहाँ भी हल नहीं होती तो मैं डायरेक्ट डीसी को ही मेल करता हूँ। ये मेरा
लगभग पांचवें छठा डीएसटी को जो है मेल है आपकी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स के, तो साथी मैं बिल्कुल आपके लिए ही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो एनी टाइम मुझे आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कीजिएगा, उस पर कीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे मैसेज कीजिए, पर्सनल कॉल भी कीजिएगा। मैं आपको 101% कोशिश करूँगा कि आपकी सभी समस्या को जो है सोल्व कर सकूँ। तो साथियों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है और साथ में शेयर जरूर करें, और हाँ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी जो आईटीआई से रिलेटेड खबर हो आप मिस ना कर पाए। चाहे सीटीआई से रिलेटेड हो, आपकी आईटीआई से रिलेटेड एग्जाम से, अप्रेंटिसशिप से, जॉब से, हर वीडियो आपको जो हमारे चैनल पर मिलेगा, और हमारे चैनल पर विश्वास के साथ जुड़ी रहेगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।